हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में यहाँ पर हम जे आई वी का इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इसका मॉड्यूल सी चैप्टर ट्वेंटी फोर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उस पर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वी विल बी डिस्कसिंग दिस देर हैव बिन क्वेश्चन यू वन बिलीव हर एक जो हमारा एग्जाम हुआ है साइकिल्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे क्वेश्चंस आए ही आए हैं सो दीज आर अ रियली रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और दीज टॉपिक्स इससे किस तरह का क्वेश्चन आया है दट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया है इन द लेटेस्ट साइकिल ऑफ द आई आर एफ एस एग्जाम उसको भी हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ सेशन सो डू नॉट मिस दिस सेशन इफ यू are really preparing seriously for the I and IFS examination. Okay, uh, IS IFS of the job exam. यहाँ पर हम microfinance institution related काफी चीजें देख चुके हैं gramin model का जो bank है उन सभी चीजों से related discussion हम कर चुके हैं अब हम delivery of microfinance किस तरीके से किया जा सकता है उस पर जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे and we will mainly talking अबाउट द डिफरेंट सेटअप्स दैट वी हैव कि माइक्रो फाइनेंस हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं व्हाट आर द सेटअप्स ठीक है माइक्रो like uh, uh, फाइनेंस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया लाइक हियर यू कैन सी देर इज अ ग्रूप ऑफ वेमेन आई होप आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा दर ए ग्रुप ऑफ वमेन एक्चुअली मोस्टली बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर जस्ट अबो द पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं दे हैव द सेम बैकग्राउंड सेम विज आस के विलेज में वो रहते हैं एंड पीपल आर नॉट दैट रिच तो इनके पास जनरली बिलो पॉवर्टी लाइन है तो ओबियसली पोअर तो दे हैव स्मॉल सेविंग्स और ये स्मॉल सेविंग्स कई बार हमारे इधर उधर चले जाते हैं कहीं भी खर्च हो जाते हैं तो इनके साथ भी वो होता है सो दे हैव थॉट के लेटेस्ट अ ग्रुप क्लस्टर और ये सारे जो स्मॉल सेविंग्स हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे सो दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज द सेल्फ़ हेल्प ग्रुप तो दीज ग्रुप मेम्बर्स एक्चुअली हेल्प दम सेल्व बाई सेविंग दिस अमाउंट ओके तो वॉट इज अल्फ हेल्प ग्रुप जनरली इट इज़ ओपन फॉर सेविंग दिस अमाउंट चलो अब हमने सेव तो कर लिया बट इतने सारे मैन पावर है वेमेन दे केन डू अट अ लॉट टू अर्न राइट तो अगरबत्ती वगैरह बना सकते हैं या फिर दे केन मेक कैंडल्स या ऐसी चीज़ें वो सीख लेते हैं सो दे स्टार्ट देर ओन इकनॉमिक जो है कोई एक्टिविटी एंड विद दैट दे स्टार्ट अर्निंग सो जो भी मनी इकट्ठा किया है उसे उन्होंने मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया राइट सो फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे एक्चुअली मेक मेकर्स ऑफ द मनी दैट दे हैव गैदर लेट से दिस लेडी गैदर ओनली हंड्रेड रुपीज़ ये सारे मिलके लाइक हंड्रेड हंड्रेड गैदर करेंगे तो दो हज़ार रुपये तो हो ही जाएंगे ना थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल हमें मिल ही जाएगा फॉर डूइंग समथिंग एंड देन वन वी सेल इट तो और भी ज़्यादा हमें जो है मनी मिलेगा तो टू थाउजेंड कैन बी एक्सपेंडेड टू लाइक फोर थाउजेंड लेट से ठीक है तो ऐसा हो सकता है थिंग्स आर दी सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरली डू एंड इन दिस देर आर टू स्पेसिफिक एंटिटीज़ दैट हेल्प देम गवर्नमेंट तो हेल्प करती ही है आर बी आई एंड नाबार्ड दे हैव अ लॉट ऑफ हेल्प बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर टू एंटिटीज़ विच हेल्प देम डायरेक्टली वन इज़ द बैंक एंड अदर इज द एन जी ओ ठीक है तो इनका क्या रोल है वो हम फटाफट से देखेंगे बिफोर दैट थोड़ा और डिस्कशन हम एस एच जी पे करेंगे बिकॉज दिस फीचर्स आर समथिंग ऑफ द एस एच जी देट है एग्जाम फर्स्टली कितने मेम्बर्स की ग्रुप होती है जनरली ये टेन टू ट्वेंटी मेम्बर्स की होती है और मोस्ट अगर ये हिल एरियाज में है तो फाइव मेम्बर्स से भी ये ग्रुप बन सकता है बिकॉज हिल एरियाज में ऑब्वियसली द पॉपुलेशन इज स्टार्स वहाँ पर कम लोग रहते हैं तो कम लोगों से भी ये ग्रुप बन सकता है होमोजीनियस होते हैं ये सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इसका जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और वॉल्ट्रीली एक साथ आते हैं सो एज टू शेयर द रिसोर्स एंड डू गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट प्रमोट मेनली सेविंग्स हैबिट को प्रमोट करने के लिए दे गैदर टुगेदर ठीक है सेविंग्स के जो उनके हैबिट है वरना तो ये पैसे कहीं भी ऐसे ही खर्च हो जाते हैं मोस्टली बिलो द पॉवर्टी लाइन ये होते हैं बट ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट पीपल अबोव द पॉवर्टी लाइन अलाउ कर दिए जाते हैं लाइक इफ देर आर टेन पीपल इन अ ग्रुप तो दो से तीन लोग जो है अबोव पॉवर्टी लाइन हो वो भी अलाउ कर दिए जाते हैं बट द सेम विलेज एरियाज से ही होने चाहिए आसपास के विलेज एरियाज से होने चाहिए एक्सटर्नल फंडिंग अब लेट से ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं दे आर एबल टू मल्टीप्लाई द मनी सो बैंक विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प दम यू कैन कीप योर सेविंग्स हमारे बैंक में रख दीजिए और हम भी आपको थोड़ा लोन प्रोवाइड कर देंगे लेट तो से टू थाउजेंड आपने इकट्ठा किए हैं दिस टाइम बैंक विल गिव यू अ लोन ऑफ टू थाउजेंड एंड इसको आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए लेट से गेट अ 8000। थाउजेंड तो इसमें से सेवन थाउजेंड आप रख लेंगे सॉरी लाइक थ्री थाउजेंड आप जो है बैंक को लेट से दे देंगे एंड द रेस्ट फाइव थाउजेंड यू विल बी कीपिंग विद योर सेल्फ तो यू हैव यूज दिस टू थाउजेंड टू मल्टीप्लाई टू फाइव थाउजेंड बटिंग हेल्प ऑफ द बैंक ऑल्सो ओके तो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बेनिफिट्स इसके हैं कि ट्रांजेक्शन uh, कॉस्ट आपके ज़्यादा नहीं लगते सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन भी रजिस्टर्ड बैंक एंड ये ग्रुप्स uh, जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से वो लोन्स इंडिविजुअल्स भी ले सकते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन मेम्बर्स का ऑलमोस्ट रेडिल अवेलेबल होता है बिकॉज द सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सो इवन दो बेचारे दे डो नॉट वॉन्ट टू डिफॉल्ट बट मेनी अर टाइम्स डिफॉल्ट हो जाता

ये पैसे जो है बैंक ऑल्सो हेल्प कैन सी किस तरीके से, से ये मनी जो है बैंक के पास चला गया तो वैसे ही बैंक जो है ये सेविंग्स को रखने के लिए हेल्प करता है नंबर वन नंबर टू बैंक ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ लोन या फिर ऐसा कुछ प्रोवाइड करके एक्चुअली बैंक हेल्प देम कि किस तरीके से आप जो है uh, आगे बढ़ सकते हैं अपना बिजनेस कर सकते हैं तो देर आर टू यूजेस जहाँ पर हम एस को बैंक से लिंक कर सकते द फर्स्ट वन इज फॉर सेविंग्स एस एच जनरली एंगेज होते हैं सेविंग्स अपने जो है रखने के लिए हम बैंक में वो रखते हैं तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा सेफ़ है और uh, काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ बैंक के अवेल कर सकते हैं लाइक यू पी आई एंड वेरियस अदर थिंग्स कार्ड ट्रांसफ़र ये नॉट नेसरलीलरेडी ऑलरेडी ऑलरेडी अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ वाले कस्टमर्स ही हों ऐसा ज़रूरी नहीं है उनका कस्टमर ड्यू इंटेलिजेंस की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है ओके बिकॉज ओनली सेविंग्स कर रहे हैं ठीक है थीके? बट क्रेडिट लिंकिंग जब करेंगे एज पर दर बी आई गाइडलाइंस यानी कि लोन्स वगैरह देंगे तो देन वी हैव टू डू इट एज़ पर दर बी आई गाइडलाइंस एंड आर बी आई गाइडलाइंस इंक्लूड्स की कस्टमर ड्यूटेलिजेंस हो अच्छे से कस्टमर ड्यूटेलिजेंस वॉट ऑब्वियसली कस्टमर की ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो ठीक है एस एच जी के नेम से ये लोग जो है सेविंग्स करते हैं अब लेट्स ए बोइइंग के लिए दे वॉन्ट सम मनी टू बोरो तो उसके लिए किया जा रहा है तो हाउ मच दे केन बो लेट्स टू थाउजेंड रुपीज़ का मैंने आपको एग्जांपल दिया तो टू थाउजेंड अगर इन्होंने सेव करा है तो दे कैन बोरो फोर टाइम्स ऑफ दैट एज अ मैक्सिमम ठीक है वन टू फोर टाइम्स ऑफ दैट लाइक एट थाउजेंड तक मैक्सिमम वो बोरो कर सकते हैं बट ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेट्स एस एच जी अच्छा है उनके डिसीजन सही है दे आर बीन एबल टू अर्न बाय वॉट एवर दे आर डूइंग एंड रेगुलरली दे आर पेइंग बैक दैट मनी डिफॉल्ट नहीं है तो ऐसे में एस एच जी को वन एस टू फोर से ज़्यादा भी जो है रेशियो से ज़्यादा भी वह लोनस प्रोवाइड किए जा सकते हैं दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग आस्ट इन द एग्ज़ाम दिस फीचर्स हैव है डायरेक्टली आस्ट इन द एग्ज़ाम सीधा सीधा पूछा हुआ ठीक है पर्पज़ क्या है uh, यहाँ पर हम uh, जो है पर्पस एक्चुअली बोइंग का उतना खास ज़रूरत नहीं है बैंक को उस चीज़ को जो है बताने की फैमिली इलनेस मैरिज एसेट्स वगैरह के लिए भी इंडिविजुअली लोन्स लिए जा सकते हैं एट द नेम ऑफ द एस एच जी एस एच जी यहाँ पर जो है जो भी है रिस्पॉन्सिबल रहता है पेमेंट के लिए कोई कोलेटर नहीं होता और बैंक ये लोन दे टू द एस एच जी इसके लिए नाबार्ड एक्चुअली इनको काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प करता है बाय री फाइनेंसिंग ऑल ऑफ दिस थिंग हंड्रेड परसेंट तो ये तो फाइनेंस हो गया इन्होंने फाइनेंस किया जितना भी दिया हुआ है लोन उतना पैसा नाबार्ड इनको बैंक को रीफाइनेंस कर देता है एंड फ्यू मेंबर्स जो है यहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट करें तो ठीक है पूरी एस एच जी एज अ होल शुड नॉट बी डिफ़ॉल्टिंग एंड जो भी ये लोन दिया जा रहा है दैट इज़ क्लासिफाइड टू बी पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर द बैंक्स तो दे नीड नॉट वरी तो उनका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉम्स भी जो है फुलफ़िल हो रहे हैं सो बैंक्स आर इंसेंटिवाइज एंड ऑल्सो अगर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ तक का लोन है ईच मम्बर ले रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है सर्विस uh, चार्जेस या फिर ऐसा कुछ इंस्पेक्शन चार्जेस वगैरह ज़्यादा नहीं लगता

तो वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स बैंक्स का हमने तो देख ही लिया है अब एस एच जी बैंक लिंकेज के बारे में हमने देख लिया नो लेट अस सी ऑद टाइप्स ऑफ दैट एस एच जी बैंक लिंकेज बट बिफोर दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्री टाइप्स देख लेते हैं वन इज नॉट फॉर प्रॉफिट तो ऑब्वियसली ये सोसाइटी या ट्रस्ट होगा तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में स्टैब्लिश्ड होता है म्यूचुअल बेनिफिट नाम से पता चल रहा है कोऑपरेटिव है ये ठीक है स्टेट नेशनल कोऑपरेटिव्स एंड म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ए पी आंध्र प्रदेश का एक्ट जो है उसके बेसिस पर दे आर एटैब्लिश वेरी इजीली वी कैन अंडरस्टैंड ये दोनों ही ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते बट या एन बी एफ सी माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दे आर कमर्शियल इन नेचर ठीक है एन बी एफ सीज एंड ये जो है मोस्टली कंपनीज एक्ट एंड आर बी आई के द्वारा रेगुलेट किए जाते एंड मोस्टली जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग है दे आर द प्रॉफिट मेकिंग एन बी एफ सी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड आरबीआई के द्वारा आर द ओनली माइक्रोफाइनेस इंटीट्यूशन रेगुलेटेड बाय द आर बी आई ठीक है तो ये चीज भी याद रखेगा

डिफरेंट टाइप्स अब दूसरे एंटिटी की हम बात करें पहले तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में क्या बैंक का रोल है दट वी है ये uh, जो एस एच जी है इन दोनों को लिंक करने के लिए एक एंटिटी की Uh, जो है जरूरत पड़ती है दैट इज एन एन जी ओ नॉन ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली ये जो है वेलफेयर पर्पेस के लिए इस्ट करते हैं एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा लेते हैं तो अगर लेट से एन जी ओ का कोई भी यहाँ पर दखल अंदाजी नहीं है एनजीओ इज नॉट एट ऑल पार्टिसिपेटिंग इन लिंकिंग डायरेक्टली जो ये ग्रुप के मेम्बर्स है दे आर वेरी स्मार्ट डायरेक्टली बैंक या फिर बैंक ने डायरेक्टली उन्हें अप्रोच किया तो दे विल डायरेक्टली गेटिंग लिंक्ड तो अपने सेविंग्स यहाँ पे रखेंगे एंड दे विल यूटिलाइजिंग द लोन्स फ्राम द बैंक तो दैट इज कॉल दैट इज द फर्स्ट मॉडल मॉडल वन जहाँ पर एस एच बैंक लिंकेज है लेकिन एन का बिल्कुल भी कोई भी वर्क यहाँ पर नहीं है बट लेट से देर आर समरिया सम जो है कंडीशन uh, जहाँ पर एन जी ओ हैजू इन्वॉल्व तो उसको हम मॉडल टू में रखते हैं एस एच जी बैंक लिंकेज थ्रू एन एन जी ओ तो एन जी ओ एक इंटरमीडियटरी की तरह एक्ट करता है फैसिलिटेटिंग एजेंट यहाँ पर एनजीओ खाली दोनों को कनेक्ट कर देगा हाँ कैसे फॉर्म भरना है कैसे ये करना है ऐसे सारा हेल्प कर देगा बस इट इज नॉट गोइंग टू हैंडल एनी फंड्स बट थर्ड मॉडल में अगर हम देखें यू विल सी कि जो भी फंड्स है वो एनजीओ के थ्रू जाते हैं एंड देन एनजीओ एक्चुअली डिपॉजिट्स द फंड इन द बैंक ओके सो एन इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीयर ठीक है तो थर्ड मॉडल में एनजीओ एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियट है तो ये मॉडल के जो नंबर है वो भी आपको याद रखने टाइप्स आपको समझ में आ गया जितना ज्यादा इंटरवेंशन है उतना ज्यादा बड़ा नंबर है इस तरीके से Right. So let us answer this question which one of the following statements is correct with respect to self-help groups. These are small informal groups consisting 10 to 20 members. jiha Purpose of SHG is to promote savings habit. Yes. Members of SHG are preferably below the poverty line. Haan, ji. Low transaction cost is one of the factors for forming SAG. Right, four things we have discussed. So 1, 2, 3, 4, D will be the right answer. So please answer this question in June 2024. Latest abhi pucha question. Hai. Similar lines pe question already answered. कर भी दिया है तो प्लीज़ ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कई क्वेश्चन हैव बीन भी आज फ्राम दिस पर्टिकुलर सेशन एंड वन क्वेश्चन आई एम शोइंग यू हियर जो लेटेस्ट जून में पूछा हुआ है लेट सी हु गिव्स द राइट आंसर एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली लेट अस नो बाय कॉलिंग अस ऑन 8146207241 या फिर हलो एट द रेट एडूट पर भी आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरी है या फिर अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो यू कैन जस्ट लेट अस नो माय नेम इज सुरेंद्र एंड आप लोग जो है जो भी अपनी क्वेरी है आप ड्रॉप कर सकते हैं ओवर दिस मेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन थैंक यू